गाइस आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक रॉड है, काफी हेवी सी। इसकी जगह पे आप कोई भी लकड़ी के डंडी ले सकते हैं, लंबा सा, बड़ा सा, थोड़ा सा हेवी होना चाहिए। अब आप सोचेंगे इसका क्या करना है। ये यूज करने वाले हैं हम अपने बैक फैट को कम करने के लिए। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं ब्रा बल्जेस, ब्रा फैट। बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता है जब भी हम कोई टाइट फिटिंग ड्रेस पहनते हैं, सूट पहनते हैं, ब्लाउज पहनते हैं, तो ऐसे फैट को रखकर करना ही क्या है जो हमारे कॉन्फिडेंस को लो कर दे। आज आपको मैं इस रॉड की हेल्प से कुछ ईजी एक्सरसाइज बताऊंगी, सिर्फ चार, जिनको घर बैठे बैठे आप फॉलो करके अपने बैक फैट से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने रॉड को इस तरीके से ले लेना है। इसका वेट 15 केजी है, लेकिन आपको इससे लाइट वेट लेना है। इस तरीके से आपने बॉडी को आगे बेंड करना, हिप को पीछे, रॉड आपका फ्रंट रहेगा आपके हैंड, देन बैक। बैक जब ला रहे हैं तो जहां आपका बेल्ट लगता है ना, बेल्ट होता है जहां पे, वहां तक आपने लाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। तो ऐसा आपने करना है कम से कम 20 बारी। मैंने आपको 10 टाइम्स दिखाया है बिकॉज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। और आपने इसके करने हैं 4 सेट, यानी आपने 80 बार इसको रिपीट करना है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जब आप इस तरीके से अपनी मसल को बैक करते हैं ना, ये वाली चीज जब आप चलाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपका यहाँ का फैट होता है ना, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। आपका मसल बिल्ड होगा और जितना भी सैगिनेस है, एक्स्ट्रा फैट है, वो रिड्यूस हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आपको इस तरीके से रॉड को आपने शोल्डर पर रखना है, हैंड्स अपने प्रॉपर ओपन कर लेने हैं। फ्रंट से दिखाती हूँ मैं, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने साइड पे बेंड होना है लाइक दिस, ना ही आगे ना ही पीछे, साइड पे। Hold for 10 seconds, straight, other side, hold for 10 seconds. जो आपके feet हैं, उनके बीच में shoulder जितना gap maintain रहेगा। हमने इसको 20 बार करना है। आपने 20 बार करने के बाद 20 seconds का rest देना है, और उसके बाद हम इसके करेंगे 3 sets. Relax. ऐसा करने से जब आप रॉड को साइड टू साइड लेके जाते हैं और उसके बाद होल्ड करते हैं, तो आपका ये वाला एरिया पे बहुत अच्छा स्ट्रेच पड़ता है, क्योंकि इसका वेट है 10-12 किलो वेट होगा जो भी आपकी रॉड है, और उसका वेट जब आपकी बॉडी पे पड़ता है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपने दोबारा से रॉड को इस तरीके से होल्ड करना है दोनों साइड से, ठीक है। इतना ही गैप मेंटेन होना चाहिए हैंड्स का, आप देख रहे हैं, थोड़ा सा बॉडी से बाहर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वाइड नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लेकर आएंगे पहले अपने चेस्ट पर, देन अप, फिर चेस्ट अप। आप ऐसा जब करेंगे तो नोटिस करेगा कि आपके जो ब्रा बल्जेस है वहां पे इसका आपको इफेक्ट फील होगा। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने इस तरीके से रॉड को बैक साइड से होल्ड करना है, ठीक है, यहाँ पर रखना है, जितना ऊपर हो सकता है उतना अप डाउन, अप डाउन। अप डाउन करने से कहाँ पे आपका मसल एंगेज हो रहा है, आपका जहाँ ब्रा बल्जेस है, ठीक है। 20 times, 2 sets इसके हम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती है।
तो गाइज आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। एक्सरसाइज कैसे लगी, आपने कितना फॉलो करा, रेगुलर उसको फॉलो करिएगा। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको एक क्लियर करना चाहती हूँ वीडियो के एंड में, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो ब्रा फैट हो या ओवरऑल बॉडी में कहीं पे भी फैट हो, कि जब आपकी बॉडी में फैट ज्यादा बढ़ता है तो वो लिवर पे भी आने लगता है, आपकी जो ऑर्गन्स है वो डैमेज होने लगते हैं और समय से पहले आप बूढ़े होने लगते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप जितना भी जंक फूड है उसको कम कर दीजिए। सपोज अगर आपको 15 डेज में हैबिट है तो आप 1 मंथ लेके जाए, फिर 1.5 मंथ, फिर 2 मंथ में लेके जाए, और रात का जो खाना है वो 7 बजे से पहले पहले फिनिश करने का ट्राई करें। अगर उसके बाद डिनर करते हैं तो रोटी चावल अवॉइड करें, पतली पतली दाल खाकर सो जाए, क्योंकि जब हम रात को जितना लेट खाते हैं वो हमें पचता नहीं है, हमारी बॉडी में सड़ने लगता है और वो फैट के रूप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। पानी ज्यादा पीना है, स्ट्रेस नहीं लेना, हमेशा खुश रहना है और अपनी ईशा को यूं ही प्यार देते रहना है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया लाइक कर दो यार मेरी मेहनत के लिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, आई ईशा मेहरा। आपकी ईशा मिलेगी आपसे कल कुछ नई चीजों के साथ। बाय बाय।